नमस्ते, आप सबका राजपालन संस के फेसबुक पेज पर स्वागत है। आज हम मेरे पिताजी विश्वनाथ जी की जन्म शताब्दी की उत्सव श्रृंखला मना रहे हैं, जिसमें आज हम व्यंग का पाठ करेंगे। विश्वनाथ जी ने राजपालन संस का नेतृत्व लगभग 60 साल तक किया और उस बीच उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की, बहुत लेखकों से उनकी दोस्ती हुई, उनकी मित्रता हुई और वो कहते थे कि जो मेरे लेखक हैं, मैं उन सब की किताबों का पहला पाठक मैं ही हूँ और इसकी वो मेरी खुशकिस्मती है और जो मेरे लेखकों के साथ मेरे रिश्ते हैं वो ही मेरी धरोहर है। आज हम तीन ऐसे हिंदी के लेखक जिन्होंने व्यंग में लिखा, उनकी हम व्यंग पाठ करेंगे, व्यंग की रचनाओं में से पाठ करेंगे। और आज हमारे साथ जो जुड़े हैं हिमांशु वाजपेयी, आप एक उर्दू दास्तान गोई हैं और आपकी कला, आपके फन ने आपको दुनिया के अलग अलग देशों में घूमने का मौका दिया है, इस्तांबुल, दुबई, सिंगापुर और अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी परफॉर्म करना था पिछले साल, लेकिन कोविड के मारे वो ऑनलाइन इवेंट हो गया और 2020 में ही आपको राष्ट्रपति के सम्मान से नवाजा गया। बहुत बहुत मुबारक हिमांशु जी, और इतनी छोटी उम्र में ये सब पा लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले दिनों में आप और भी इससे ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचे, ये मेरी शुभकामना है। बहुत शुक्रिया मीरा जी। और ये जो विश्वनाथ जी को याद करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है, जिस तरह से उन्हें आप याद कर रही हैं और हम सबको ये मौका दे रही हैं कि उस याद में हम शामिल हों। तो और मेरे लिए तो बहुत एक जाती कनेक्शन है राजपाल एंड संस से, क्योंकि हमने कोर्स की किताबों के तरह जो सबसे पहली किताब, साहित्यिक किताब जिसे हम कहेंगे, वो खरीदी थी, तो वो मधुशाला थी राजपाल एंड संस की, हार्ड बाउंड संस्करण। तो वो मुझे याद है कि मैंने और मेरे एक दोस्त ने, आशीष नवल, बचपन के साथी हमारे, उन्होंने पैसे मिला करके वो एक किताब हमने खरीदी थी। तो वो एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है राजपाल एंड संस से। तो मुझे मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया कि आज मैं कुछ पढ़ सकूं, बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप जुड़े और मुझे इस कनेक्शन का नहीं पता था। देखिए कितनी चीजें जुड़ती हैं। ये असल में इसलिए होता है क्योंकि साहित्य एक निरंतर कड़ी चलती रहती है। इसको समय में ठीक है, लेखक आते हैं, जीवित रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन साहित्य तो निरंतर चलता ही रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आज आप पहले सबसे किसके पुस्तक में से पाठ करके हमें सुनाएंगे? पहली सबसे जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो अमृतलाल नागर जी की किताब है, हम फिदाए लखनऊ। और ये किताब मैंने इसलिए सुनी कि नागर जी मेरे गुरु हैं, यानी कि मैं उनसे मिला कभी नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तब उनकी डेथ हो गई, लेकिन जिनके लिखे को पढ़कर मैंने ये समझा कि लखनऊ पर भी लिखा जा सकता है और लखनऊ पर लिखना इतना हसीन हो सकता है, वो नागर जी हैं। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं जहां नागर जी का घर था, चौक, तो वो एक खास बात है। और इस किताब को चुनने की वजह यह है कि इस किताब में जितनी भी कहानियां हैं वो सबकी सब दास्तान गोई के अंदाज में, यानी कि ओरल ट्रेडिशन के, जबानी रवायत के अंदाज में लिखी गई हैं। और नागर जी ने ये कहा भी है कि उन्हें जो लिखने की प्रेरणा मिली वो एक किस्सा गो से मिली, एक दास्तान गो से मिली, जो उन्हें बचपन में कहानियां सुनाया करता था और बदले में खटाई या नमक या चार आने लेता था, तभी उनकी लेखन में ये जो हम देखते हैं ना कि एक तकरीर का जो लुत्फ है नागर जी के यहाँ, वो इसी वजह से है कि उनकी इंस्पिरेशन लिखने की जो थी वो एक किस्सा गो की थी। और जो कि मैं प्रोफेशनल किस्सा गो हूँ तो मुझे वो सारी वजह हैं जो नागर जी की तरफ खींचती हैं। तो आज पहली बात, पहली चीज जो मैं पढ़ रहा हूँ वो नागर जी की किताब से पढ़ रहा हूँ और इस अफसाने का नाम है हाजी कुल्फी वाला। और आप देखें कि ये शुरू भी बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि कोई किस्सा शुरू होता है, उस तरह से शुरू होता है। यानी इसके शुरुआत में पहले एक बंद है शायरी का, तो मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं करिए शुरू जी। आप अगर और कोई तारुफ नागर जी का, चूंकि राजपाल एंड संस से तो बहुत उनका कनेक्शन रहा है, तो अगर कुछ आप कहना चाहें तो बिल्कुल। मेरी खुशकिस्मती है कि नागर जी से मैं कई बार मिली, वो हमारे घर आते थे कई बार, अमूमन लंच पर आ जाते थे, और जो उनकी एक
पर्सनैलिटी थी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टावरिंग पर्सनैलिटी, लंबे ऊंचे कद के, हमेशा सफेद कुर्ता धोती और मुंह में पान दबाए, और दिल खोल के हंसते थे, जोर का ठहाका मारते थे। और जैसे आपने कहा कि उनको भी एक इंस्पिरेशन किस्सा गोई से मिली, वो वास्तव में स्टोरी टेलर थे। जब हम खाने की टेबल पे बैठ जाते तो कुछ ना कुछ बातें तो होती, तो मतलब इतने अंदाज से सुनाते कि मैं क्या कहूँ, वो लखनऊ अंदाज ही था। तो शायद वो लखनऊ अंदाज आप अब सुनाइए। क्या बात जी, मैं सुनाता हूँ। तो शुरुआत यूं होती है कि जागता है खुदा और सोता है आलम, के रिश्ते में किस्सा है निंदिया का बालम। ये किस्सा है सादा नहीं है कमाल, न लफ्जों में जादू बयां में जमाल। सुनी कह रहा हूं न देखा है हाल, फिर भी न शक के उठाए सवाल, के किस्से पे लाजिम है सच का असर, यही झूठ भी आके बनता हुनर। तो छापे का किस्सा गो यूं अर्ज करता है कि एक है चौक नखास का इलाका, और एक है हाजी मियां बुलाकी कुल्फी वाले। 85-86 बरस की उम्र है, दोहरा थका बदन है, पट्टेदार बाल, गलमुच्छे, और आदाब अर्ज करते हुए उनके हाथ उठाने के अंदाज में वो लखनऊ मिल जाता है जो आम तौर पर अब खुद लखनऊ को ही देखना नसीब नहीं होता। किसी जमाने में हाजी मियां बुलाकी की बर्फ और निमिष खाने के लिए गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, कानपुर और दूर दूर से रईस शौकीन गर्मी सर्दी के मौसमों में दो बार लखनऊ तशरीफ लाते थे। बुलाकी की बदौलत चार नाचने गाने वालियों, उनके लघुओं भगुओं और चार किस्म के सौदागरों का भी भला हो जाता था। बुलाकी मियां ने हजारों रुपए पैदा किए, पक्का दो मंजिला मकान बनवाया, दो बार हज कर आए, पहले लड़के और फिर लड़की की शादी धूमधाम से की, न लड़की रही न लड़का, 15-20 बरसों के आटे पाटे में हाजी पिस गए। लड़की का गम लड़के के दम पर सह लिया, लड़का अब ऐसा होशियार था कि बाप का नाम दोबाला किया। 17-18 साल हुए, एक दिन राह चलते हार्ट फेल हुआ और चटपट हो गया, अपने पैरों घर से गया था, पराए हाथों उठकर उसकी लाश आई। साल डेढ़ साल तो गम में टूटे सुनते बदहवास बैठे रहे, मगर फिर पोतों के मुंह देखकर हाजी बुलाकी मियां ने अपना जी कड़ा किया। सोचा कि घर से निकलकर खाते खाते तो एक दिन कारों का खजाना भी चुक जाता है, फिर बाद में इन बच्चों का क्या होगा, इसलिए हाथ पैर गो थके ही सही, मगर जब तक चलते हैं तब तक पुराने हुनर से इतने जनों का पेट क्यों ना भरूं। कुल्फियां धोने और दूध वगैरह औटाने भरने के चक्कर में बूढ़ी का ध्यान बटेगा, दुल्हन का वक्त कटेगा, बच्चों के पेट में बहाने से कुछ ना कुछ दूध मेवा भी पहुंचता रहेगा, और मेरा भी बाहर निकलना हो जाएगा, अब और क्या किया जाए। इसी तरह एक दिन बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, इलायची, जाफरान, शक्कर, संतरे और अनारों का सौदा कर लाए, दूध, रबड़ी, बालाई लाए, कुल्फियां धोई, कढ़ाव चढ़ाया। 19वीं सदी में उस्तादों की चलमें भर भर के सीखे हुए हुनर के हाथ रच रच कर दिखलाए। फिर हाजी बुलाकी मियां की तजुर्बेकार बीवी उम्र भर के सधे हाथों से डले में कुल्फियां सजाने बैठी, बर्फ भरकर हांडी हिलाई। तब तक हाजी मियां ने पुराने वक्तों में रईसों, नवाबों और अंग्रेज हिंदुस्तानी हाकिमों से मिले सर्टिफिकेट का रजिस्टर निकाला। ये चमड़े का रजिस्टर वजीर ने मरने के कुछ ही दिनों पहले कानपुर से 75 रुपए में बनवाया था। हर पुष्ट पर दो सर्टिफिकेट चमड़े के फ्रेम में जड़ दिए, उसमें न टूटने वाले कागजी कांच भी जड़े हैं। अब्बा को अपने ये सर्टिफिकेट बहुत प्यारे हैं, इसलिए वजीरे ये कीमती रजिस्टर बनवा के लाया था। हाजी उस दिन फूले न समाए थे, आज उस दिन को रोए।
फिर अपने को संभाला कहीं बूढ़ी देख न ले। उजला कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा और टोपी पहनी। टोपी पहनी, मजदूर को बुलवाया, डला उसके सर पे लादा और करीब 17-18 वर्षों के बाद अल्लाह का नाम लेकर फिर से कुल्फियां बेचने निकले। इस बार बूढ़े बूढ़ी दोनों एक दूसरे की आंखों को आंसुओं के हमले से ना बचा सके। पर्दे की ओट में दुल्हन भी रो पड़ी। उसकी सिसकी सुनकर हाजी बुलाकी तेजी से बाहर चले गए। गली से बाहर आकर नखास बाजार में पहली आवाज लगी, कुल्फी मलाई की बर्फ, गला भर आया। दूसरी आवाज में ही बुलाकी मियां ने खुद को संभाल लिया। वो इंसान ही क्या जो मुसीबत न झेल सके। घंटे भर के हिसाब से एक इक्का तय किया और उम्र भर के बढ़ते हुए बाजार को छोड़कर हजरतगंज, जॉपलिंग रोड और पंच बंगलियों की तरफ चढ़े। हिंदुस्तान को आजादी बस मिलने ही वाली थी। नया दौर शुरू हो चुका था। एक आला हाकिम जमाना के वालिद बुजुर्गवार का दिया हुआ सर्टिफिकेट भी उनके रजिस्टर में मौजूद था। उन्हीं की कोठी का नंबर पूछते पूछते जा बैठे। इक्का कोठी से बाहर ही खड़ा करवाया और रजिस्टर के लिए अंदर गए। अर्दली से पूछा तो मालूम हुआ कि साहब पीछे वाले बगीचे में फुर्सत से बैठे हैं। अर्दली को दुआएं दी और कहा कि जरी ये खत हुजूर की खिदमत में पेश कर दो, मेरे बुढ़ापे पे तरस खाओ। अर्दली को रजिस्टर खोल कर दिया, खत पर हाथ रख के बता भी दिया। हाकिम जमाना बाप की लिखावट बरसों बाद अचानक देखकर बहुत खुश हुए। रजिस्टर के दूसरे सर्टिफिकेट पढ़ने लगे, फिर बुलाकी मियां को बुलवा लिया। हाजी बुलाकी मियां महज खालिस माल से ही नहीं बल्कि अपनी बातों और अदब कायदे से भी ग्राहकों को खुश करते हैं। हाकिम जमाना, उनकी बेगम साहिबा और दोनों जवान बेटियों के हाथ में तश्तरियां पहुंची नहीं कि हाजी बुलाकी ले उड़े। कुल्फी में हुजूर दूध औटाने और शक्कर मिलाने में ही सिफत होती है। कुल्फी की तारीफ तो तब है कि यहाँ खोली जाए और बनारसी बाग में जाकर खाई जाए। इतनी देर में अगर कुल्फी गल जाए तो फिर हुजूर वो शौकीनों के खाने के काबिल नहीं। और बात सरकार यहीं तक नहीं, कुल्फी जमाने के फेर में अगर इतनी बर्फ डाल दी कि खाने वाले के दांत गले और जबान ठिठुरी तो हुजूर सिफत क्या हो। आजकल के कुल्फी वाले लखनऊ के पुराने हुरन को नहीं जानते। हमारे उस्ताद ने सिखाया था कि अव्वल तो ये समझो कि कुल्फी में तरावट किस चीज की है, बर्फ की या दूध की, मलाई की, रबड़ी की, फलों की, मेवों की। अरे हुजूर, यही तो पकड़ की बात है। बेगम साहिबा, अल्लाह आपको जीता रखे। माल को हुजूर तरावट इतनी देनी चाहिए कि उस पर से मौसम गर्मी का असर हट जाए। अगर दांत गले तो परखैया परखेगा क्या? पढ़ी लिखी लड़कियों और हाकिमे आला पर बातों का असर होने लगा। बुलाकी मियां ने लड़कियों की ओर मुखातिब होकर सुनाया, आपके जन्नत नशीन दादा जान को खुश करना हर एक के बस की बात नहीं थी। हुजूर मेरी बात के गवाह होंगे, आपके दादा जान एक बार छोटे लाट साहब के यहाँ खाना खाने गए थे। वहां मुर्ग मुसल्लम की बड़ी तारीफ हो रही थी। कई और अंग्रेज हाकिम थे, शहर के कुछ रईस नवाब भी थे। सभी लाट साहब के बावर्ची के लाम बांध चले, आपके दादा जान खामोश बैठे रहे। लाट साहब बोले कि नवाब साहब, आपने तारीफ नहीं की। आपके दादा जान ने फरमाया कि हुजूर, तारीफ के काबिल कोई चीज हो तो। फिर उन्होंने अपने यहां सबको दावत दी, साहबजादियों, मेरी बात के चश्मदीद गवाह हमारे सरकार यहाँ तशरीफ फरमा है। जहां तक मुझे ध्यान है, हुजूर उस वक्त कोई 10 या 11 साल के रहे होंगे। इसके बाद हाकिम जमाना और उनका खानदान हाजी बुलाकी मियां का असरे नौ सरपरस्त हो गया। फिर कोई शानदार कोठी बंगले वाला हाजी बुलाकी की कुल्फियों से महरूम न रहा। हाजी बुलाकी की कुल्फी और निमिश का शुमार लखनऊ के कल्चर में हो गया। विदेशी मेहमानों को लखनऊ आने पर चिकन के कुर्ते, दुपल्ली टोपी, रुमाल और साड़ियां, मिट्टी के खिलौने, मशहूर इत्र के तोहफे तो दिए ही जाते थे। हाजी बुलाकी की कुल्फी या सर्दियों में निमिष भी खिलाई जाने लगी। ये एक
टुकड़ा है। इसकी खास बात क्या है, ये पूरे का पूरा जो है ये उसी अंदाज में लिखा गया है जिस तरह से हमारे यहाँ ओरल ट्रेडिशन की कहानियां होती हैं, यानी किस्से जिस तरह से रकम किए जाते हैं, जिसको फारूकी साहब कहते थे, शमसुरमान फारूकी साहब की गोया तहरीर में लुत्फ तकरीर हो, यानी ये कहानी जब आप सुन रही होंगी तो आपको ऐसा मजा आ रहा होगा कि ये लिखी हुई चीज नहीं पढ़ी जा रही है बल्कि कोई सुना रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुल्फी खाई जाए, अब ये बताइए अभी भी लखनऊ में कुल्फी खूब मिलती है? बिल्कुल, बहुत बहुत मिलती है, और जो नागर जी का इलाका है जहाँ का ये किस्सा है वहाँ तो कुल्फी बहुत ही मशहूर है। अच्छा। मतलब चौक की कुल्फी तो बहुत मशहूर है। तो बिल्कुल वो पसंदीदा है कि नहीं? जी बहुत बहुत बहुत, इतनी पसंदीदा है कि सर्दियों तक में उसका सिलसिला रुकता नहीं है, वो सर्दियों में भी खाई जाती है और लोग बड़े मजे से खाते हैं उसको। और देखिए आपने फिदाए लखनऊ में से पढ़ा और आपकी अभी मिखिल 1.5 साल पहले ही किताब आई है, किस्सा किस्सा लखनऊ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और उसके कवर पर नागर जी मौजूद है, यानी उनकी तस्वीर है उसके कवर पर। ये मेरा ट्रिब्यूट था हमारे गुरु को, नागर जी को। हाँ, मुझे लगता है नागर जी और लखनऊ तो अब जैसे इकट्ठे ही जुड़ गए हो, उनको अलग करना नागर जी में से लखनऊ निकालना मुश्किल है, क्योंकि जो लखनऊ की उनकी पूरी वहां की रहन सहन। जी मतलब जो लखनऊ को जानना चाहता है उसे नागर जी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना नागर जी के तो लखनऊ नहीं बनता। नागर जी लखनऊ की कुछ बुनियादी पहचानों में से है, और हमें लगता है कि एक शख्सियत ऐसी होनी चाहिए किसी व्यक्ति, एक शहर उसकी पहचान से जुड़ा, तो ये नागर जी हैं। लखनऊ में और भी साहित्यकार रहे लेकिन शहर का पर्याय जिस तरह से नागर जी बने वैसे कोई नहीं बना। और मैं जो दूसरी चीज ढूंढ रहा हूँ वो हवेली है, जो कि मैं पढ़ना चाहता हूँ मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का जो मशहूर जमाना उपन्यास है आबे गुम, जिसे हिंदी में राजपाल एंड संस ने छापा है खोया पानी के नाम से, और बहुत ही जबरदस्त किताब है ये, और उर्दू में तो क्लासिक की तरह उसकी एक शोहरत है। मैं इसका जो हिस्सा है मैं वो निकाल लेता हूँ, आप तब तक अगर इस उपन्यास के बारे में कुछ बता पाए तो। इसके बारे में एक ये कनेक्शन है कि मेरे पिताजी 1947 से पहले लाहौर में थे, तो मतलब जब हमारा अखंड भारत था तो वो उस हिस्से में थे जो अब पाकिस्तान बन गया है, तो वो वहां से भारत आए, और जिनकी आप रचना पढ़ने जा रहे हैं वो पहले टोंक में थे राजस्थान में, और जब पाकिस्तान तो वे पाकिस्तान चले गए, तो इनसे कभी मेरी भेंट तो नहीं हुई, लेकिन तो ये एक कनेक्शन है मुझे लगता है कि मेरे पिताजी और इनके बीच, कि वो यहाँ से वहां आए और ये भारत से पाकिस्तान गए, और ये उस टाइम की बात है कि जब देखा जाए हिंदुस्तानी बोली थी, उर्दू और हिंदी में कोई फर्क नहीं था, तो ये मूलतः तो उर्दू में जबान में लिखी गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और पढ़े तो लिपि का फर्क जरूर बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें लगता है कि जी हमें लग सही हमें तो लगता है फर्क आज भी नहीं है, लिपि का जरूर फर्क है, केवल लिपि का है, जिस जबान में हम बात कर रहे हैं वो उर्दू है या हिंदी है। बिल्कुल, कहना बड़ा मुश्किल तो है। मैं आपको जी बिल्कुल, मैं आपको हवेली जो इसका एक हिस्सा है उसका एक हिस्सा सुना रहा हूँ जो मेरा बड़ा पसंदीदा भी है जरूर। और इसमें हालांकि चूंकि अनुवाद है तो कहीं कहीं पर वो जो चुस्ती है वो थोड़ी सी उसमें तो एक कहीं कहीं पर वो धुंधलाती है, लेकिन वो कंटेंट इतना जबरदस्त है कि मजा बहुत आता है। तो मैंने 1945 में जब क़िबला को पहले पहल देखा तो उनका हुलिया ऐसा हो गया था जैसा अब मेरा है, लेकिन बात हमारे अलबेले दोस्त बशारत अली फारूकी के ससुर की है, इसलिए परिचय भी उन्हीं की जबान से ठीक रहेगा। हमने तो बहुत बार सुना, आप भी सुनिए। वो हमेशा से मेरे कुछ ना कुछ लगते थे, जमाने में मेरे ससुर नहीं बने थे तो मेरे फूफा हुआ करते थे, और फूफा बनने से पहले मैं उन्हें चचा हुजूर कहा करता था, इससे पहले भी वो मेरे कुछ और जरूर लगते होंगे, मगर उस समय मैंने बोलना शुरू नहीं किया था।
हमारे यहाँ मुरादाबाद और कानपुर में रिश्ते नाते उबली हुई सेवइयों की तरह उलझे हुए और पेंच दर पेंच गुथे हुए होते हैं। ऐसा रौद्र रूप, इतने क्रोध वाला आदमी मैंने सारे जीवन में नहीं देखा। उनकी मृत्यु हुई तो मेरी उम्र आधी इधर आधी उधर 40 के लगभग तो होगी, लेकिन साहब जैसा आतंकित मैं उनकी आंखों को देखकर छुटपन में होता था, वैसी ही न केवल उनके अंतिम समय तक रहा, वैसा ही न केवल उनके अंतिम समय तक रहा बल्कि अपने अंतिम समय तक भी रहूंगा। बड़ी बड़ी आंखें अपने सॉकेट से निकली पड़ती थी, लाल सुर्ख ऐसी वैसी, बिल्कुल कबूतर का खून लगता था। बड़ी बड़ी पुतलियों के गिर्द लाल डोरों से अभी खून के फब्बारे छूट पड़ेंगे और मेरा मुंह खूनम खून हो जाएगा। हर समय क्रोध से भरे रहते थे, जाने क्यों गाली उनका तकिया कलाम थी और रंग जो बोल चाल का था वही लिखाई का भी। जाहिर है कुछ ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता था जिन्हें किसी कारण से गाली नहीं दे सकते थे। ऐसे अवसरों पर जबान से तो कुछ ना कहते लेकिन चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन लाते कि सर से पांव तक गाली नजर आते। किसकी शामत आई थी कि उनकी किसी राय से असहमति व्यक्त करता? असहमति तो दरकिनार, अगर कोई व्यक्ति केवल डर के मारे उनसे सहमत होता तो अपनी राय बदल के उल्टा उसके सर हो जाते। अरे साहब, बातचीत तो बाद की बात है, कभी कभी केवल सलाम से भड़क उठते थे। आप कुछ भी कहें, कैसी ही सच्ची और सामने की बात कहें, वो उसका खंडन जरूर करेंगे। किसी से सहमत होने में अपनी हेठी समझते थे। उनका हर वाक्य नहीं से शुरू होता था। एक दिन कानपुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, मेरे मुंह से निकल गया कि आज बड़ी सर्दी है। बोले, नहीं कल से ज्यादा पड़ेगी। वो चचा से फूफा बने और फूफा से ससुर, लेकिन मेरे अंतिम समय तक निगाह उठाकर बात करने की हिम्मत ना हुई। निगाह के समय वो काजी के बगल में थे। काजी ने मुझसे पूछा, कबूल है? उनके सामने मुंह से हाँ कहने का साहस ही ना हुआ। अपनी ठोड़ी से दो डोंगे सी मार दी जिन्हें काजी और किबला ने रिश्ते के लिए अपर्याप्त समझा। किबला किड़क के बोले, लौंडे बोलता क्यों नहीं? डांट से मैं नर्वस हो गया। अभी काजी का सवाल भी पूरा न हो पाया था कि मैंने जी हाँ कबूल है कह दिया। आवाज इतनी जोर से निकली कि मैं स्वयं चौंक पड़ा। काजी उछलकर सहरे में घुस गया। सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। अब किबला इसी पर भन्ना रहे हैं कि इतनी जोर की हाँ से बेटी वालों की हेठी होती है। बस तमाम उम्र उनका यही हाल रहा। तमाम उम्र मैं रिश्तेदारी के दर्द और निकटता में घिरा रहा। हालांकि इकलौती बेटी बल्कि इकलौती संतान थी और बीवी को शादी के बड़े चाव थे, लेकिन किबला ने माइयों के दिन ठीक उस समय जब मेरा रंग निखारने के लिए उबटन मला जा रहा था कहला भेजा कि दूल्हा मेरी मौजूदगी में अपना मुंह सेहरे के बाहर नहीं निकालेगा, 200 कदम पहले सवारी से उतर जाएगा और पैदल चलकर अक्तगाह निकाह के स्थान तक आएगा। अक्तगाह उन्होंने इस तरह कहा जैसे फैज साहब कत्लगाह का जिक्र करते हैं, और सच तो यह है कि उनका आतंक दिल में कुछ ऐसा बैठ गया था कि मुझे छपरखट भी फांसी घाट लग रहा था। उन्होंने शर्त भी लगाई कि बाराती पुलाव जरदा ठूसने के बाद ये बिल्कुल नहीं कहेंगे गोश्त जरा कम डाला और शकर ड्योढ़ी नहीं पड़ी। खूब समझ लो, मेरी हवेली के सामने बैंड बाजा बिल्कुल नहीं बजेगा और तुम्हें रंडी नचवानी है तो अपने कोठे पे नचवाओ। इसी समय में राजपूतों और अरबों में लड़कियों की पैदाइश अपशकुन और खुदा के क्रोध की निशानी समझी जाती थी। उनका आत्माभिमान ये कैसे गवारा कर सकता था कि उनके घर बारात चढ़े? दामाद के डर से वो लड़की को जीवित गाड़ आते थे। किबला इस क्रूर परंपरा के घोर विरोधी थे। वो दामाद को जीवित गाड़ देने के हिमायती थे। चेहरे चाल और तेवर से शहर के कोतवाल लगते थे। कौन कह सकता था कि बांस मंडी में उनकी इमारती लकड़ी की एक मामूली सी दुकान है? निकलता हुआ कद, चलते तो कद, सीना और आंखें तीनों एक साथ निकाल कर चलते थे। अरे साहब क्या पूछते हैं, अव्वल तो उनके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती थी और अगर कभी जी कड़ा करके देख लिया तो बस लाल भभूका सी आंखें आंखें नजर आती थी। रंग गेहुआ
जिसे आप उस गेहूं जैसा बताते हैं जिसे खाते ही हजरत आदम एकदम जन्नत से निकाल दिए गए। जब देखो झल्लाते तिनतिनाते रहते, स्वभाव जबान और हाथ किसी पर नियंत्रण न था, हमेशा क्रोध से कांपते रहते। इसलिए ईंट पत्थर लाठी गोली गाली किसी का भी निशाना ठीक नहीं लगता था। गची गची मूछें जिन्हें गाली देने से पहले और बाद में ताव देते, अंतिम समय में भौहों को भी बल देने लगे। गठा हुआ कसरती बदन मलमल के कुर्ते से झलकता था, चुनी हुई आस्तीन और उससे भी महीन चुनी हुई दुपल्लिया टोपी गर्मियों में खस का इत्र लगाते थे। कीकरी की सिलाई का चूड़ीदार पजामा, चूड़ियां इतनी कि पजामा नजर नहीं आता था, धोबी उसे अलगनी पर नहीं सुखाता था, अलग बांस पर दस्ताने की तरह चढ़ा देता था। आप रात को 2 बजे भी दरवाजा खटखटा कर बुलाएं तो चूड़ीदार ही में बाहर निकलेंगे। ये एक जो जिस तरह से यूसुफी साहब अपने चरित्र की जो डिटेलिंग देते हैं, जिस कैरेक्टर की कि आपके सामने पूरा नक्शा नजर आ जाता है। और खास बात यह है कि उर्दू में बहुत सारे बड़े व्यंग्यकार हुए, उनमें जो सबसे बड़े व्यंग्यकार माने जाते हैं वो मुश्ताक अहमद यूसुफी ही माने जाते हैं। बल्कि ये तक कहा गया कि हम जिस दौर में जी रहे हैं उर्दू में, वो अहदे यूसुफी है, यानी यूसुफी का दौर है, यानी अपने दौर के सबसे बड़े उर्दू मुसन्निफ थे। और ये किताब हमने तो चूंकि इसके कुछ हिस्से चूंकि बहुत पॉपुलर थी तो कुछ जुमले इसके याद कर लिए थे लोगों ने, जो अपने नाम से और यूसुफी साहब के नाम से सुनाए जाते थे। तो ये इस किताब के लिए बहुत इंतजार रहता था कि मुश्ताक रहते थे कि भाई कब छपेगी, हिंदी में कब छपेगी। और ये किताब जब आ गई तो बड़ी खुशी हुई। तो एक ये भी एक पर्सनल एक वो है कि यूसुफी साहब को पहली बार राजपाल एंड सन्स ने छापा और उसको तरीके से लाए सबके सामने। जी बहुत अच्छा अंश पढ़ा और बिल्कुल उनका तो चरित्र सामने आ गया, और खास कर की धोबी उनके पजामा कैसे सुखाता था कि पूरे बांस पे ही दस्ताने की तरह, और जब वो चलते तो उनकी आंखें भी और पैर भी और मतलब पूरा साथ बाहर निकल के वो चलते। और इनकी खास बात एक और थी यूसुफी साहब की कि ये थे तो टोंक के, आपने जैसे बताया और ये कराची में रहे बहुत जमानों तक, ये लखनऊ की जबान जब लिख रहे हैं अपने इस नॉवेल में, तो हमें हैरानी होती है कि हम तो लखनऊ वाले और ये किस तरह से वो जो बिल्कुल कोलोकियल जुमले हैं लखनऊ की जबान के, वो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो हमने अपने उस्ताद से यानी महमूद साहब से एक बार पूछा कि इतना इन्हें कैसे उबूर है, ये तो लखनऊ के हैं भी नहीं, ये टोंक के हैं फिर पाकिस्तान चले गए। तो वो ये बोले कि ये कराची में रहे हैं और यूसुफी साहब का जो मुशाहिदा है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत जबरदस्त है। तो आप देखिए कि कराची में रहते हुए अपने आसपास से इतनी चीजें खींची हैं उन्होंने कि जब उन्होंने लखनऊ की जबान या कानपुर का जिक्र जब किया तो बिल्कुल ऑथेंटिक लगा। ये लगा ही नहीं कि ये कोई ऐसा आदमी लिख रहा है जिसे कानपुर की या लखनऊ की जानकारी नहीं। तो ये एक मेरे लिए इस बात ने मुझे हैरत में डाला था। और ये भी वो बात हैरत की है कि थे वो बैंकर। जी, बिल्कुल। बहुत साल मतलब जो बैंकर बहुत एक सीरियस प्रोफेशन माना जाता है, उसमें रहे के व्यंग ऐसा लिखना, ऐसी मतलब वो भी एक कमाल की चीज है कि बैंक और एक मतलब इसका मतलब कि वो पैनी नजर चाहिए, बस वो नजर चाहिए परखने को व्यंग की, आप चाहे बैंकर हो चाहे कुछ भी हो। और सिर्फ उनकी 4 किताबें हैं, उनको 90-92 साल का 94 साल की उनकी जिंदगी मिली। अभी आखिरी किताब तो बिल्कुल आखिरी वक्त में, यानी 3 किताबों से वो शोहरत के माउंट एवरेस्ट पर बैठे रहे, और क्या कमाल राइटर थे। और जैसे आपने कहा कि उनके जुमले सबकी जुबान पर चढ़े, मुझे लगता है इनके ही शोहरत चलती रहेगी। बिल्कुल, जुमले सुना दीजिए जो आप इस्तेमाल करते हो अगर आपको ध्यान। यूसुफी साहब का एक जुमला जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं सुनता भी था, कि कुछ लोग इतने मजहबी होते हैं कि जूतों का इंतखाब करने के लिए भी मस्जिद का रुख करते हैं। अच्छा। एक उनका और जुमला था कि इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी बकरों ने दी। अच्छा। एक और जुमला था कि हमारे मुल्क की अफवाहों की सबसे बुरी बात यह है कि वो सच निकल जाती है। एक और उनका जुमला था कि कोई दूसरा आपका तारुफ करा दे तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आप खुद झूठ बोलने से बच जाते हैं। अच्छा। एक और उनका जुमला था कि रिश्तेदार, दुश्मनों की 3 कैटेगरी होती है, दुश्मन, जानी दुश्मन और रिश्तेदार। तो आप देख रही हैं कि इतने सारे उनके कोट्स मुझे याद हैं, और मुझे कोई उसके लिए याद नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि वो यूसुफी साहब किस तरह से मेरे करीब रहे।
वो एक खास बात थी। और तो क्या किस्सा गोई में आपका व्यंग पे भी काफी केंद्र रहता है, ध्यान रहता है कि मतलब आप? बिल्कुल बिल्कुल रहता है, और बल्कि जो हमारी जो आम की दास्तान है, और दूसरी हमने एक दास्तान की है मशहूर शायर सागर खयामी साहब पर, उनकी जिंदगी और उनकी शायरी पर, तो वो दोनों दास्तानें व्यंग की दास्तान है। बढ़िया। तो वो एक दोनों दोनों दास्तानों में व्यंग का पुट है, और वो दोनों इसीलिए कि उसमें खास तौर पर पब्लिक को पसंद इसीलिए आती है कि उसमें एक व्यंग है हास्य। तो सागर साहब तो बहुत, मतलब मुझे लगता है कि राजपाल एंड सन्स को सागर खयामी को भी छापना चाहिए, क्योंकि इतने मशहूर शायर वो और उनका कलाम लोगों को याद है लेकिन मिलता नहीं। आपने अच्छा आइडिया दिया, इस पे जरूर अमल करेंगे। क्यों नहीं, क्योंकि आइडिया तो कहीं से भी आना अच्छा हो, करना चाहिए उस पर। अब आप क्या सुना रहे हैं? मैं शरद जोशी जी की जो किताब है तिलिस्म, वो ये उनकी व्यंग कहानियों का संकलन है। ये पतली सी किताब है, और उसकी उसकी एक कहानी है पुलिया पर बैठा आदमी। ये मैं आपको इसका एक टुकड़ा, चूंकि कहानी तो लंबी है, और ये जितनी भी चीजें सुनाई ये सब एक ही कहानी इतनी लंबी होती है कि शायद हमारा पूरा वक्त उसमें जाए, तो हम सिर्फ इसलिए सुना रहे हैं कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो ये समझ जाएं कि अच्छा व्यंग्यकार जो है वो अपना जादू जो है वो दो लाइन में क्रिएट कर लेता है, एक लाइन में क्रिएट कर लेता है, तो वो एक चीज है। तो ये खोया पानी, मैंने शायद इसका कवर नहीं दिखाया था, ये है खोया पानी जो राजपाल एंड सन्स से, और मेरे जो सबसे पसंदीदा कवर है वो ये है फिदाए लखनऊ। तो जिन्होंने किस्सा किस्सा लखनऊआ का कवर देखा होगा वो भी इससे इंस्पायर्ड है, यानी ये जो कवर है बिल्कुल, क्योंकि वो उस इंस्पिरेशन की वजह ये थी कि उस इंस्पिरेशन में भी हमारे जो गुरु हैं नागर जी उनको ट्रिब्यूट ही था, तो वो एक कोशिश है, लेकिन ये कवर मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। मैं आपको ये सुनाता हूँ, ये जो किस्सा शरद जोशी जी का जो पुलिया पर बैठा आदमी, वो एक पुलिया पर बैठा हुआ था, पूरे क्षेत्र में ही जगह उसे बैठने में पुलिया से गुजरती कारों साइकिलों क्यों की तरफ गौर से देखता था, पर अब वो ऐसा नहीं करता था। यहां बैठे बैठे इस शहर की सब कारों साइकिलों और सब लड़कियों को वो देख चुका था, इसलिए अब उसके देखने के लिए कुछ रह ही नहीं गया था। फिर भी वो इस पुलिया पर बैठा रहता और कोई नौकरी नहीं करता था, वो सारी उन नौकरियों को जो नहीं मिलती खोज चुका था, वो अब भी उन नौकरियों को खोज सकता था जो नहीं मिलती, पर ऐसा न कर वो पुलिया पर बैठा रहता था। एक सुबह एक नेता किस्म का व्यक्ति उसके पास आया और बोला, क्या तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो? मुझे कोई सवाल नहीं पूछना, उसने कहा, मैं तुम्हें सवाल बताऊंगा जो तुम मुझसे पूछोगे, उससे क्या होगा, मैं जवाब दूंगा। तुम खुद अपने से सवाल क्यों नहीं पूछते? ऐसा नहीं होता, सवाल किसी और को करना पड़ता है, मैं जवाब दूंगा, मगर मैं जवाब सुनना ही नहीं चाहता। तुम चाहे मत सुनना, तुम सिर्फ सवाल करना, मगर इस सब का मतलब क्या है, तुम्हें इससे मतलब? मैं तुमसे सवाल करूंगा जो मेरे पास नहीं है और जो मैं नहीं करना चाहता, फिर तुम मुझे जवाब दोगे जिसे मैं नहीं सुनना चाहता और जिसे सुनना जरूरी भी नहीं है। क्या तुम पागल हो? नहीं, मैं नेता हूं। पुलिया पर बैठा शख्स नेता की ओर ताज्जुब से देखने लगा। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें सिर्फ सवाल पूछना है, इसके बदले में मैं तुम्हें रुपए दूंगा, नेता ने उससे कहा। ये हुई बात, पुलिया पर बैठा आदमी मुस्कुराया। तुम मुझे सवाल भी दोगे और वही सवाल करने के बदले रुपया दोगे? ऐसी हालत में हो सकता है मैं जवाब सुनना पसंद भी करूं। लाओ एक रुपया दो, मैं सिगरेट की डिब्बी खरीदूंगा। नेता ने उसे रुपया निकाल कर दिया। वो पुलिया से उठा और एक डिबिया सिगरेट और माचिस खरीद कश खींचता हुआ नेता के पीछे चल पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसने नेता को रोका और कहा, देखिए चूंकि रुपया आप दे रहे हैं सो चाहे तो आप सवाल कर सकते हैं, जवाब मैं दे दूंगा। मैंने सुना है कि नौकरी में यही होता है कि जो रुपया देता है
उसे सवाल करने का हक होता है और जिसे रुपया मिलता है उसे जवाब देना होता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम अपना कर्तव्य मत भूलो, सवाल तुम्हें ही करना है। और वो आगे आगे चलने लगा। कुछ देर बाद शहर में एक भीड़ के सामने वही नेता भाषण दे रहा था और पुलिया से उठ के आदमी उसी भीड़ में खड़ा था। भाषण लंबा था और वो व्यक्ति खड़े खड़े उबने लगा था, फिर भी वो बार बार सिगरेट जलाता हुआ चुप खड़ा था। नेता ने अपना भाषण खत्म किया और पूछा, आप लोगों में से कोई व्यक्ति मुझसे सवाल पूछना चाहता है? सवाल करने के लिए खड़े शख्स ने समझा कि नेता उसे भीड़ में नहीं देख पा रहा है। उसने हाथ उठाकर कहा, मैं हूं यहाँ खड़ा हूँ, सवाल मुझे पूछना है। नेता अपनी खास नेता वाली अदा से मुस्कुराया, हाँ पूछिए क्या पूछना है? सवाल करने वाले शख्स ने पूछा, पहला सवाल ये है श्रीमान के, आजादी के बाद हमारा देश प्रगति नहीं कर सका, हम ज्यों के त्यों बने रहे, इसका क्या कारण है? नेता अपनी खास नेता वाली अदा से विचार करने लगा और फिर जैसे सोच कर बोला, इसका कारण है कि इस देश को काबिल नेता नहीं मिला। जैसे मुझे ही ले लीजिए, आजादी के वक्त मैं एक फर्म में सेक्रेटरी था और काफी वर्ष रहा। हमारी फर्म के मालिक समझते थे कि इन नेताओं से काम चल जाएगा और देश आगे बढ़ेगा, मगर कुछ सालों से हमें अनुभव हुआ कि हम गलत सोच रहे थे। सेठ साहब ने मुझसे बोला कि तुम नेता बनो, तो उनकी आज्ञा से मैं पॉलिटिक्स में आया। और भी ऐसे ऐसे नए नए नेता आ रहे हैं, कुछ ठेकेदारी छोड़कर आ रहे हैं, कुछ कारखाना छोड़कर, इससे देश का उत्थान होगा और देश आगे बढ़ेगा। पुराने नेताओं की वजह से प्रगति नहीं हो सकी थी, अब जरूर होगी। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाह वाह, भीड़ में से दो तीन व्यक्ति चिल्लाए। फिर भीड़ भी नेता के इस उत्तर की प्रशंसा करने लगी। भीड़ में खड़ा सवाल करने वाला व्यक्ति एकाएक चौंका, हाँ दूसरा सवाल यह है कि आपकी नजर में आज देश की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? छोटी कार, नेता ने एकदम से कहा। उस बारे में हमारे सेठ साहब अक्सर बोलते थे कि इस देश में छोटी कार का कारखाना होना चाहिए, सबसे बड़ी जरूरत है। टेलीविजन का काम फैलना चाहिए, रेफ्रिजरेटर अभी घर घर नहीं पहुंचा, उसकी बहुत कमी है इस देश में, पब्लिक प्रोग्रेस नहीं कर रही है। सच है। भीड़ में से दो तीन व्यक्ति चिल्लाए, आपके विचार बिल्कुल ठीक है। पुलिया से उठकर आए व्यक्ति की जेब में सिर्फ एक सिगरेट बची थी और उसने वो जला ली। तभी नेता जोर जोर से पूछने लगा, कोई और सवाल। उसने सिगरेट पीते हुए हिसाब लगाया कि वो अभी तक दो ही सवाल पूछ सका है, जबकि उसने तीन सवाल दिए थे। वो भूल गया कि तीसरा सवाल क्या है। नेता इधर बार बार चिल्ला रहा था, एकाएक उसे याद आया, वो बोल उठा, सिर्फ एक सवाल रहा है। और वो इस समय देश में फैली बेकारी दूर करने के तरीकों पर है। बेकारी दूर करने के क्या तरीके हैं? नेता ने फिर नेता वाला चिंतक का पोज बनाया और बोला, कारखानेदार को लाइसेंस देना। सेठ लोग कारखाना खोलने को लाइसेंस मांगते हैं, मगर सरकार खुले हाथ नहीं देती। हमारे सेठ साहब के साथ भी यही जुलम हुआ है, उन्होंने लाइसेंस मांगा, सरकार ने दिया नहीं। वो बोले, कारखाना नहीं खुलेगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। सच बात बोले, मेरा भी यही कहना है, जब तक कारखानदार को लाइसेंस नहीं मिलेगा देश की बेकारी दूर नहीं होगी। क्या कहने, आपने समस्या को जड़ से पकड़ा है। भीड़ में से दो तीन व्यक्ति चिल्लाए और बाद में सभी लोग बेकारी दूर करने के इस सुझाव पर विचार करने लगे। उस शख्स के सवाल खत्म हो गए थे, सिगरेट भी खत्म हो गई थी, नेता अभी भी पूछ रहा था, कोई और सवाल। वो शख्स चुप खड़ा रहा, नई सिगरेट की जरूरत अनुभव कर रहा था। इधर नेता ने उससे सीधे पूछा, कहिए जनाब, आपको कोई और सवाल तो नहीं पूछना? जेब में से खाली सिगरेट की डिबिया निकाल कर उसने फेंक दी और कहा, हाँ सिर्फ एक सवाल है, पूछिए जरूर। नेता ने कहा, मैं सारे सवाल पूछ चुका, अब मुझे रुपया कब मिलेगा, मुझे सिगरेटें खरीदनी। नेता ने उसे नाराज आंखों से देखा, भीड़ में लोग हंसने लगे। एकाएक नेता ने गंभीर होकर कहा, यह व्यक्तिगत प्रश्न है, एकदम व्यक्तिगत प्रश्न है। यहाँ मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो समाज और राष्ट्र की समस्याओं से संबंधित है। भीड़ में दो तीन व्यक्ति बोले, आप ठीक कह रहे हैं, व्यक्तिगत प्रश्न यहाँ नहीं पूछे जाने चाहिए, ये बेहूदा बात है, नेता से सामाजिक और राष्ट्रीय प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तब भीड़ के सभी लोग कहने लगे कि ये सचमुच व्यक्तिगत प्रश्न है और नहीं पूछा जाना चाहिए था। कुछ देर बाद फिर पुलिया पे आ बैठा, उसी तरह जैसे कुछ देर पहले बैठा था। वो कुछ नहीं देख रहा था, न कार, न साइकिलें, न लड़कियां, उसे सिगरेट खत्म हो जाने का अफसोस था। तभी दो तीन व्यक्ति उसके पास से गुजरे और देख कर रुक गए। भीड़ में सवाल तुम ही, एक ने पूछा, हाँ। वो उसे देखकर हंसने लगे।
तुमने गलती की, तुम्हें रुपए का सवाल वहां नहीं करना चाहिए था, रुपया सभा के बाद मिलता है। देखो हम तीनों लोग जो सवालों पर दिए गए जवाबों की तारीफ करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए खड़े थे, अब अपना रुपया लेने नेता के घर जा रहे हैं, तुमने गलती की। और वो तीनों व्यक्ति तेजी से पैर बढ़ाते एक और चले गए। पुलिया पर बैठा आदमी उन्हें जाते हुए देखता रहा, उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसकी गलती क्या थी। आखिर उसकी सारी सिगरेटें खत्म हो चुकी थी और नई सिगरेट खरीदने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसकी क्या गलती थी। पुलिया पर बैठा काफी देर से वो यही सोच रहा है, सामने से कारें, साइकिलें और लड़कियां गुजर रही हैं। तो ये एक कहानी है जो शरद जोशी जी की। और खास बात यह है, जोशी जी के यहाँ भी और परसाई जी के यहाँ भी, परसाई जी के यहाँ तो कुछ और आगे बढ़ के है, व्यंग इतना पहना है ना कि वो जब आप पढ़ते हैं तो एक धार सी आपके कलेजे में नश्तर की तरह उतरती हुई दिखाई देती है। इतना तीक्ष्ण राजनीतिक व्यंग्य वो भी था जो यूसुफी साहब का व्यंग्य हमने पढ़ा या जो नागर जी का हमने व्यंग्य पढ़ा, उसमें एक तरंग थी, एक हल्का फुल्का एक एक इशारा था। लेकिन ये परसाई और शरद जोशी, इनके यहाँ जो व्यंग्य है ये बहुत बहुत मारक है, खास तौर पर राजनीतिक व्यंग्य जिस तरह का। और हमें ये लगता है कि अगर ये आज के जमाने में लिख रहे होते तो क्या होता, क्या व्यंग्य को झेलने की हमारी क्षमता भी कम हुई है। सही बात है। और अगर सुनते हुए तो लगता है कि किसी ने आज भी लिखा हुआ तो उतना ही प्रासंगिक है जो उन्होंने तब लिखा। बिल्कुल, ये जो आपने अभी व्यंग्य सुना ये को नहीं लगता कि अगर इस दौर में भी सुनाया जाए तो उतना ही असर रखता? बिल्कुल, क्योंकि भीड़ तो जुटाई जाती है, प्रश्न भी पूछे जाते हैं पहले से फिक्स करके, वो तो सारी बात है। तो जी, और यही बात, यही अदा इन्हें बड़ा रचनाकार बना दिया। ये सिर्फ अपने समय में पॉपुलर नहीं थे, इनकी लोकप्रियता समय के साथ बढ़ती जा रही है, जिसे कालजयी होना कहते हैं। तो ऐसी ही एक चीज है, काल से परे जिसकी स्वीकृता और मकबूलियत बढ़ती जाए। सही बात है, वही तो साहित्य में होता है कि जो अपने समय के पार भी जीवित रहे। और जिस प्रकार आपने उसको जीवित किया, क्योंकि मैंने देखा है पढ़ने में और सुनने में बहुत अंतर है, कई चीजों का लुत्फ सुनने में ज्यादा आता है और कईयों का पढ़ने में। जैसे मुझे लगता है कविता को जो सुनने में मजा आता है, आनंद आता है, वो अलग है। बिल्कुल सही बात, हाँ पढ़ने से भी होते हैं, लेकिन जब आप सुने तो कुछ और आपके जहन में उसकी बातें उतरती है। और इसीलिए हम जैसे लोगों की महत्ता भी बन जाती है कि हम सुनाने वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि ज़बानी रिवायत जो है इसी देश की अपनी चीज है और बड़ी महान चीज है और उसके करीब आए। बिल्कुल सही है। और एक चीज और होती है कि जब आप भीड़ में सुनते हैं तो उस वक्त जो ऊर्जा पैदा होती है, जो एक सामूहिक ऊर्जा होती है और एक जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो जैसे अगर पाठक को ये किताब घर में पढ़ रहे तो वो एक ही रिश्ता है, उसमें वो बात नहीं आती जो एक भीड़ में आती है, चाहे आप कविता सुन रहे हैं या आप शायरी, तो उसका मजा या उसका आनंद और ही है। और मुझे लगता है आपको मैं आपको एक इसमें पीपल परी की दास्तान जो नागर जी ने लिखी है जी, मैं आपको वो सुना रहा हूँ इसलिए कि आप ये देखें कि कितना करीब है नागर जी वाचिक परंपरा के, श्रुति परंपरा के, यानी सुनाई जाने वाली जो चीज है, यानी पूरा अंदाज उनका जो है वो पुरानी दास्तानों का है। ये इसका तो उन्वान ही है पीपल परी की दास्तान, और ये शुरू उसी तरह से हो रही है जैसे दास्तान शुरू होती है। ऐ दुनिया दुरंगी मकारा सराय, कहीं खूब खूबा कहीं हाय हाय, ऐ दिले नेक आशिक दास्तान, दुई को छोड़कर यकरंग हो जा, क्योंकि लिखा है कि अल्लाह एक है, वो रहीम है करीम है, अपने बंदों की फरियाद सुनता है। सदियों पहले असफुद्दौला के जमाने में जब ये मोहल्ला आबाद हुआ तो लोगों ने कहा कि यहाँ खुदा का साया भी हो, बस फौरन धरती फोड़ कर दरख्त पीपल उगाया, सदियों उसमें कटे कनकौए उलझे, कौओं ने बसेरा लिया, चोरों ने उसकी शाखों शाखों जाकर लोगों के घरों की जमा पूंजी उड़ाई, निठल्लों की बनाई, दिन भर उसी के साये में बैठकर इधर उधर आंखें लड़ाई, दिन को लौंडों का और रात को कुत्तों का शोर रहा, बहरहाल सदियों से इस पीपल का बड़ा जोर रहा। तो ये जो अंदाज है
ये पूरा का पूरा इसमें एक राइमिंग है, यानी जो एंडिंग है सेंटेंसेस की, और ये खास लखनवी रंग की जो दास्तान गोई है उसकी अदा है। बिल्कुल, तो ये और ये पूरा आगे तक ये कहानी वैसे ही चलती है। तो ये इसीलिए है कि नागर जी ने बचपन से जो उन्हें लिखने की प्रेरणा मिली वो सुनी हुई चीज को सुनकर मिली। तो उन्हें ये पता था कि बोले ये जो शब्द ब्रह्म कहा गया, ये लिखे हुए शब्द को ब्रह्म नहीं कहा गया, ये शब्द को जो ब्रह्म कहा गया, ये जो शब्द जो निकलता है जबान से इसको ब्रह्म कहा गया। सही वो है जी, आपने तो आज शब्दों का जादू हमारे साथ। नहीं, ये तो लाइव प्रोग्राम था, मुझे अगर आप कहेंगे कभी तो मैं रूबरू जब आप सुना रहे होते हैं तो वो जो एक असर होता है तकरीर का वो एक अलग, क्योंकि यहाँ तो बीच में एक दीवार है एक लैपटॉप की और जिसके पार आप हैं और इधर हम हैं, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया। और मैं आपसे एक बात तो कह सकता हूँ कि नागर जी की कोई भी चीज कभी भी पढ़नी हो तो हम खुद भी भाग दौड़ के तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कोई गुरु दक्षिणा अदा कर रहे हैं, कोई ऋण है जो हम उतार रहे हैं। तो वो मेरे लिए पर्सनली बहुत बहुत इमोशनल है उनको लेकर, नागर जी को लेकर। और मुझे, मैं हमेशा ये कहता हूँ, फिराक ने ये लिखा कि वो उनका शेर है कि जब उनको ये ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। तो हमें फिराक को देखने वालों से रश्क नहीं होता है, हमें रश्क होता है कि जिन्होंने नागर जी को देखा है उनसे बात की है। तो इस तरह से हमें आपसे रश्क हो रहा है, एक ईर्ष्या हो रही है कि आप नागर जी से मिली हैं, उनके साथ आपने खाना खाया है। मैं तो उनको पढ़ के ही उनके करीब आया, मेरे बहुत पसंदीदा। तो शुक्रिया आपका कि आपने इतनी सारी किताबें नागर जी की छापी हैं, और बहुत सारी उनकी जो नवाबी मसनत भी आप ही ने छापी, एक दिल हजार अफसाने वो भी, जो संपूर्ण कहानियां वो भी आपके यहाँ से छपी, टुकड़े टुकड़े दास्तान जो उनकी आत्मकथा है वो भी वहां से छपी। तो मेरे लिए तो एक एक रिश्ता नागर जी के जरिए भी राजपाल एंड संस से बनता है। सही बात है, और मेरे पिताजी का नागर जी के साथ बहुत लंबा एक रिश्ता था, और आज भी मतलब परिवार में उनके साथ चल रहा है, लेकिन विश्वनाथ जी और नागर जी की एक दोस्ती भी बहुत थी। जब मिलते तो गप्पे उनकी खत्म नहीं होती थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी बहुत शौकीन थे गप्पे मारने के, घंटों घंटे बतियाना, और नागर जी भी तो दोनों मिल बैठते थे तो बस क्या बात, क्या आलम होता। तो कभी हम जब आएंगे दिल्ली तो इस बार जब आपसे मिलेंगे तो नागर जी के संस्मरण आपसे सुनेंगे। जरूर जरूर, तो जितने भी सीमित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त मैं काफी छोटी उम्र में, बिल्कुल बिल्कुल, पर जो है मैं जरूर आपसे साझा। बिल्कुल बिल्कुल, और आज मुझे तो बहुत आनंद आया, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको भी इतना ही व्यंग आपका सुन के आनंद आया। और इसी बहाने आज हमने मेरे पिताजी को याद किया, आपके समय के लिए, आपके योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और जब आप कहें किसी दिन, आप सिर्फ नागर जी का की शाम रखिए, और मुझे बहुत आनंद आएगा उनको सुनाने में, मतलब जरूर। पर मुझे आपसे सुनने में ज्यादा फिर उत्सुकता है, फिर आप तैयार होके आइए। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो वो तो फिर लाइव, अब तो खैर शो शुरू हो गए हैं, तो मैं किसी वक्त जब दिल्ली में हूँगा तो मुझे भी वैसे ही ज्यादा मजा आता है, ये ऑनलाइन तो वो तो है कि जैसे मैंने कहा उसमें जो ऊर्जा होती है लाइव शो में, जो अगर एनर्जी होती है वो इसमें नहीं हो पाती। चलिए बहुत शुक्रिया, और इस इंतजार में कि आपसे अगली मुलाकात जल्दी। शुक्रिया, बिल्कुल, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। धन्यवाद।